तो मेरे प्यारे बच्चों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th के मेरे सभी ऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपको बताने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड में मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगी या नहीं होगी, ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा केमिस्ट्री का हार्ड गया है, सर मेरा इंग्लिश का पेपर हार्ड गया है, तो मेरा साइंस का हार्ड गया है। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सीबीएसई को मॉडरेशन पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए, ये मैं कहूँगा, और काफ़ी बच्चों को ये भी कहना है कि मॉडरेशन पॉलिसी अगर लागू कर दे, ग्रेस मार्क्स अगर दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी बच्चे जो फेल होने वाले हैं, जिनका कम मार्क्स आ रहा है, कंपार्टमेंट लगने वाला है, तो वैसे बच्चे आसानी से पास हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं सीबीएसई को मॉडरेशन पॉलिसी लागू कर देनी चाहिए। देखिए, हालांकि सीबीएसई ने कहा है कि देखिए, सिचुएशन जिस हिसाब का देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। अगर देखा जाएगा कि क्वेश्चन वाकई में अगर टॉप है, अगर टॉप रहा होगा, जिस सेट का क्वेश्चन टॉप रहा होगा, जिन बच्चों का मिला होगा टॉप क्वेश्चन सेट, तो उनका मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा कुछ समथिंग। अब ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 10, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, ऐसे नहीं बढ़ा, मतलब वही 5, 6, 7 मार्क्स तक, यानी 2, 3, 4, यानी कि मैक्सिमम यू कह लीजिए 6 से 7 मार्क्स तक बढ़ सकती है, लेकिन 10, 15, 20 मार्क्स इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीएसई को मॉडरेशन पॉलिसी को लागू कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, काफ़ी सारे बच्चों का फायदा होगा। जो बच्चे का कंपार्टमेंट आ रहा होगा, जिन बच्चों का उसका कंपार्टमेंट नहीं आएगा, और सीबीएसई को भी अच्छा परसेंटेज आएगा। जैसा कि अदर बोर्ड में देखते होंगे, स्टेट बोर्ड में 95%, 96%, 92%, इस तरीके से 90 से अबव ही जाता है, तो इसी तरीके से सीबीएसई का भी ऊपर ही रिकॉर्ड आना चाहिए। ताकि नहीं तो अगर ऐसा अगर नहीं होता है तो सीबीएसई का ही नाम बदनाम होगा, ख़राब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीएसई को भी फायदा होगा और काफ़ी सारे बच्चों का फायदा होगा। तो मॉडरेशन पॉलिसी को लागू कर देने चाहिए और ग्रेस मार्क्स को दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी टॉप आए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सीबीएसई को ट्वीट करो, आप ईमेल करो, ट्वीट करो, कहो कि क्वेश्चंस हार्ड थे, इसके लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ प्रोवाइड कराया जाए, और ताकि हम लोग का फ़ायदा होगा और सीबीएसई को भी इस तरीके से फ़ायदा हो सकती है। सीबीएसई को ईमेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, और हम भी ईमेल करेंगे। और हमने भी एक ईमेल किया था कि जो क्वेश्चन टॉप आए थे जिस सेट में, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों का मार्क्स दीजिए समथिंग कुछ। अगर जिन बच्चों का 2, 4, 5 मार्क्स कम आ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स दे दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे पास हो जाएंगे, आपका भी नाम होगा, ये बात है। तो यही बात कहनी थी मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग सीबीएसई को ट्वीट करो, ठीक है। और बहुत ही अच्छी खबर है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए 10 तारीख से, 10 मार्च से लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूँ, जो यूट्यूब पे आपको हम इस व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाने वाले हैं, ओनली 10 डेज के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आप लोग अभी से ही, अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो लोग कर लिए हैं, अच्छी बात है, उसके लिए तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं लाइव क्लास नहीं लाऊंगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके लिए हमारी तरफ से पूरी फुल आज़ादी है, ठीक है। पहले ही नहीं कर लेना, पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद वो तो आपके हाथ में रहेगा ना, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना।